आईपीएल 2023 में 13 अप्रैल को एक रोमांचक मुकाबला खेला गया था। पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने थी। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर मात्र 153 रन बनाए थे। 154 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस ने शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी के दम पर 6 विकेट से मैच जीत गई। लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या को बड़ा नुकसान हुआ है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। दरअसल कप्तान हार्दिक पांड्या ने समय पर अपनी पारी के निर्धारित 20 ओवर पूरे नहीं करवाए थे। उन्होंने इसे पूरा करने में तय समय से ज़्यादा समय लिया। इसी के चलते आईपीएल की कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार हार्दिक पांड्या पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया। बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक अगर कोई टीम स्लो ओवर रेट के दोषी पाई जाती है तो पहली बार 12 लाख का जुर्माना लगता है, वहीं दूसरी बार 24 लाख का जुर्माना लगता है और अगर ये गलती तीसरी बार दोहराई जाती है तो कप्तान पर एक मैच का प्रतिबंध भी लग सकता है। हालांकि इस संदर्भ में अंतिम निर्णय बोर्ड का ही होता है, मगर अब हार्दिक पांड्या को स्लो ओवर रेट से बच के रहना पड़ेगा क्योंकि उनसे एक बार गलती हो गई है। अगर ये गलती दोबारा हुआ तो उस पर मैच खेलने पर प्रतिबंध लग सकता है।